हेलो एवरीवन स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अरविंद में आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान का इतिहास तथा राजस्थान की कला तो चलिए देखते आज का पहला प्रसने। पहला प्रसने के में, जावर में चांदी की खान निकल आई ऑप्शन ए क्षेत्र सिंह बी राणा हमीर सिंह सी महाराणा लक्ष्य सिंह डी महाराणा कुंभा तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी महाराणा लक्ष्य सिंह के शासनकाल में जावर में चांदी की खान निकल आई थी तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अगला प्रश्न है मेवाड़ में किस शासक का काल स्थापत्य कला का युग कहलाता है तो मेवाड़ के परिप्रेक्ष्य से अगर देखा जाए तो वह कौन सा शासक है जिसके शासनकाल को स्थापत्य का युग कहा जाता है ऑप्शन ए राणा रतन सिंह बी महाराणा सांगा सी महाराणा कुंभा डी महाराणा लाखा तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी महाराणा कुंभा के शासनकाल को स्थापत्य का स्वर्ण युग कहलाता है मेवाड़ शैली में यानी मेवाड़ क्षेत्र का जो स्वर्ण युग स्थापत्य का कहलाता है वह महाराणा कुंभा के शासनकाल में अगला प्रश्न है उन्नीस में महात्मा गांधी ने राजस्थान का दौरा किया था सर्वप्रथम वे किस स्थान पर आए थे तो ऑप्शन ए है जयपुर बी अजमेर सी जोधपुर डी कोटा तो इसका सही आंसर हो जाएगा अजमेर यानी ऑप्शन बी सही होगा गांधी जी ने सर्वप्रथम अजमेर गए थे अगला प्रश्न है चित्तौड़ आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा दरबारी कवि उसके साथ था ऑप्शन ए मिनहाज उल सिराज बी बर्नी सी आमिर खुसरो डी अबुल फजल क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी अमीर खुसरो जो है चित्तौड़ आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी के साथ था अगला प्रश्न है मेवाड़ राज्य का संस्थापक कौन था तो मेवाड़ राज्य का संस्थापक कौन था तो इसका ऑप्शन ए है रावल बप्पा बी है महाराणा प्रताप सी उदय सिंह डी रतन सिंह इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी महाराणा बप्पा द्वारा मेवाड़ राज्य की स्थापना की गई थी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या छ सिरोही सिरोही के चौहानों का संस्थापक कौन था ऑप्शन ए रायमल सी सामंत सिंह बी सामंत सिंह सी लुम्बा डी तेज सिंह तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर हो जाएगा लुम्बा यानी लुम्बा जो है सिरोही के चौहानों का संस्थापक है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अगला प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय रणथंभार के पतन के समय यहाँ का शासक कौन था ऑप्शन ए सम्मर सिंह बी रतन सिंह सी रतिपाल डी हमीर क्वेश्चन नंबर सेवन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी हमीर जो है यहाँ का शासक था रणथंभौर का अगला प्रश्न है रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक कौन था ऑप्शन ए गोविंदराज बी वाघ भट्ट सी रतन सिंह डी वीर नारायण क्वेश्चन नंबर एट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी गोविंद राज अगला प्रश्न है कन्हरदेव सल्तनत काल के किस शासक के साथ युद्ध में लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हो गया ऑप्शन ए गया सुद्दीन तुगलक बी अलाउद्दीन खिलजी सी मोहम्मद गौरी डी इल्तुतमिस क्वेश्चन नंबर नाइन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी अलाउद्दीन खिलजी से लड़ते वक्त कन्हरदेव का सल्तनत काल के साथ जो युद्ध हुआ था वह वीरगति को प्राप्त हुआ अगला प्रश्न है जालौर के चौहानों के प्रसिद्ध शासक हुआ तो जालौर के चौहानों में प्रसिद्ध शासक कौन हुआ था ऑप्शन है समर सिंह बी देव सी उदय सिंह डी कीर्तिपाल तो क्वेश्चन नंबर टेन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कान्हड़ देव जलाओर के चौहानों के चौहानों में प्रसिद्ध शासक था अगला प्रश्न है किस युद्ध के बाद चौहानों का पतन हो गया तो वह कौन सा युद्ध है जिसके होने के बाद चौहानों का पतन हो गया ऑप्शन ए तराइन का द्वितीय युग बी तराइन का तृतीय युग सी पानीपत का युद्ध डी तराइन का प्रथम युद्ध इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी तराइन का द्वितीय युद्ध के बाद चौहानों का पतन हो गया अगला प्रश्न है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में किसके शासनकाल में आया था ऑप्शन ए फिरोज तुगलक बी पृथ्वीराज चौहान तृतीय सी इलतुकमिश डी इस्लाम शाह क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासनकाल में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आया था अगला प्रश्न है राजकवि सोमदेव किसके दरबार में था ऑप्शन ए विग्रहराज चतुर्थ बी पृथ्वीराज चौहान द्वितीय पृथ्वीराज चौहान तृतीय पृथ्वीराज चौहान प्रथम तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी विग्रहराज चतुर्थ के शासनकाल में सोमदेव राजकवि थे इनके दरबार के अगला प्रश्न है चौहानों का सर्वाधिक विस्तार किस शासक के काल में हुआ था तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी विग्रहराज चतुर्थ अगला प्रश्न है सांभर के चौहानों का संस्थापक कौन है तो सांभर के सांभर के चौहानों का संस्थापक कौन है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी वासुदेव अगला प्रश्न है किस शासक ने पांच वैधशालाओं का निर्माण कराया था तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी सवाई जय सिंह ने अगला प्रश्न है जयपुर की स्थापना कब की गई थी तो जयपुर की स्थापना जो है 18 नवंबर सत्रह सो ईस्वी में की गई थी तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 18 नवंबर सत्रह में अगला प्रश्न है किस मुग़ल शासक ने राजस्थान में जजिया कर हटा दिया तो किस मुग़ल शासक ने राजस्थान से जजिया कर हटा दिया था तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी अकबर ने जजिया कर हटाया था राजस्थान के ऊपर से अगला प्रश्न है बिहारी सतसई की रचना किस शासक के शासनकाल में हुई तो बिहारी सतसई की जो रचना है वह रचना किस शासक के शासनकाल में पूर्ण हुई ऑप्शन कौन सा सही होगा तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी मिर्जा राजा जय सिंह के शासनकाल में अगला प्रश्न है पुरंदर की संधि पुरंदर की संधि शिवाजी व औरंगजेब के मध्य मिर्जा राजा जय सिंह के प्रयासों से कब हुई तो इसका सही आंसर है जून 1965 में यानी ऑप्शन ए सही होगा अगला प्रश्न है मिर्जा राजा जय सिंह को मिर्जा राजा की पदवी किसने दी तो मिर्जा राजा की पदवी शाहजहाँ ने दी थी तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी शाहजहाँ द्वारा दिया गया था मिर्जा राजा जय सिंह को मिर्जा राजा की पदवी अगला प्रश्न है आमेर का कौन सा शासक अकबर के नौ रत्नों में से एक था तो आमेर का कौन सा शासक अकबर के नौ रत्नों में से एक था तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी मान सिंह अगला प्रश्न है अकबर ने राजपूतों के साथ विवाह करते हुए कौन सी नीति अपनाई तो अकबर ने राजपूतों के साथ विवाह करते समय सुलह कुल की नीति अपनाई थी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अगला प्रश्न है चंद्रवरदाई ने राजपूतों की उत्पत्ति मानी है तो चंद्रवरदाई ने राजपूतों की उत्पत्ति अग्नि कुंड से मानी है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अगला प्रश्न है प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहलाता है तो प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहलाता है गुप्त काल गुप्त काल जो है स्वर्णयुग कहलाता है भारत का किस नगर को प्राचीन काल में अहित छत्रपुर के नाम से जाना जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा नागौर नागौर को अहित छत्रपुर के नाम से जाना जाता था मत्स्य संघ का स्थापना हुई थी मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई थी तो इसका आंसर हो जाएगा 18 मार्च 1948 में यानी ऑप्शन ए सही होगा वर्तमान राजस्थान कब अस्तित्व में आया वर्तमान राजस्थान जो है वह कब अस्तित्व में आया तो इसका आंसर हो जाएगा एक नवंबर उन्नीस सौ छप्पन को एक नवंबर उन्नीस सौ छप्पन को वर्तमान राजस्थान अस्तित्व में आया था इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अगला प्रश्न है चेतावनी रा चुंगाटिया किसकी रचना है चेतावनी चुंगाटिया किसकी रचना है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी केसरी सिंह बारहट अगला प्रश्न है बिजौलिया के कृषक आंदोलन का नेतृत्व तो किसने किया तो बिजौलिया के किसान आंदोलन का नेतृत्व तो किसने किया था तो इसका आंसर हो जाएगा विजय सिंह विजय सिंह पथिक यानी ऑप्शन बी सही होगा अगला प्रश्न है कोटा में किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी गई थी कोटा में किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी गई थी तो बर्टन की बर्टन जो है एक अंग्रेज अधिकारी था इसकी हत्या कर दी गई थी कोटा में आउ आव, आउआ में किस पॉलिटिकल एजेंट का वध कर दिया गया था तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी जी एच मैकमेंसन अगला प्रश्न है राजस्थान में सबसे पहले क्रांति की शुरुआत हुई थी तो राजस्थान में सबसे पहले क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी तो नसीराबाद से नसीराबाद से यानी ऑप्शन सी सही होगा नसीराबाद अगला प्रश्न है सहायक संधि का जन्मदाता था सहायक संधि का जन्मदाता किसे माना जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेलेजली, ऑप्शन ए किस राज्य ने सबसे पहले अंग्रेज़ों से संधि की थी तो किस राज्य ने सबसे पहले अंग्रेजों से संधि की थी तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी करौली अगला प्रश्न है मेवाड़ और अंग्रेजों के बीच संधि कब हुई थी तो मेवाड़ और अंग्रेजों के बीच संधि हुई थी 1818 में यानी ऑप्शन बी सही होगा ढूंढाड़ राज्य की स्थापना कब हुई थी तो ढूंढाड़ राज्य की स्थापना ग्यारह सौ ईस्वी में हुई थी तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फर्स्ट रिवीजन करा रहे हैं तो ऑप्शन पूरा नहीं बता रहे हैं सीधा आंसर बता रहे हैं इसके लिए समझ आते हैं क्योंकि बहुत सारी क्वेश्चन है वन फोर्टी नाइन क्वेश्चन है और क्लास बहुत लंबी हो जाएगी तो अपलोड करने में प्रॉब्लम होती है चलिए अगला प्रश्न ढूंढार राज की स्थापना किसने की थी तो ढूंढार राज की स्थापना कब हुई थी ग्यारह सौ सैंतीस ईस्वी में और इसकी स्थापना किसने की थी तो दूल्हा राय ने इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अगला प्रश्न है पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चंद्रवरदाई ने अगला प्रश्न है राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है तो राजस्थान का अबुल मुहड़ोत नाय नायडसी को कहा जाता है यानी ऑप्शन ए सही होगा मुहड़ोत नैडसी। अगला प्रश्न है कान्हड़ देव प्रबंध की रचना किसने की थी कान्हाड़ देव प्र देव प्रबंध की रचना किसने की थी तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सॉरी ऑप्शन सी पद्मनाथ पद्मनाथ यानी ऑप्शन सी सही होगा अगला प्रश्न है पन्नाधाई पन्नाधाई में मेवाड़ के किस राजकुमार की रक्षा की गई थी तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी उदय कुमार अगला प्रश्न है एकलिंग महात्म्य का लेखक कौन है एकलिंग महात्म्य का लेखक कौन है तो इसका आंसर हो जाएगा महाराणा कुंभा यानी ऑप्शन सी सही होगा अगला प्रश्न है महाराणा कुंभा का राज्य रोहण कब हुआ भारा तो महाराणा कुंभा का राज्य चौदह सौ तैंतीस ईस्वी में हुआ था ऑप्शन सी सही होगा आंसर होगा ऑप्शन सी अगला प्रश्न है राजस्थान में विजय स्तंभ कहाँ स्थित है तो राजस्थान में विजय स्तंभ जो है चित्तौड़गढ़ तो में स्थित है यानी ऑप्शन डी सही होगा तो राजस्थान में कीर्ति स्तंभ कहाँ पर स्थित है तो राजस्थान में कीर्ति स्तंभ कहाँ स्थित है चित्तौड़गढ़ तो में यानी ऑप्शन बी सही होगा अगला प्रश्न है किस शासक ने कीर्ति स्तंभ व विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराणा कुंभा यानी ऑप्शन डी अगला प्रश्न है राजस्थान के किस जिले में राणकपुर जैन मंदिर स्थित है राणकपुर जैन मंदिर किस जिले में स्थित है तो पाली जिले में स्थित है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अगला प्रश्न है अजमेर नगर अजमेर नगर की स्थापना किसने की थी तो अजमेर नगर की स्थापना अजय राय ने की थी तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अगला प्रश्न है मोहम्मद गौरी की पराजय का वर्णन किस कवि ने किया था तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रवरदाई ने चंद्रवरदाई ने मोहम्मद गौरी की पराजय का वर्णन किया है अगला प्रश्न है भारत का अंतिम हिंदू शासक कौन था तो भारत का अंतिम हिंदू शासक कौन था इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सॉरी ऑप्शन सी हेमू विक्रमादित्य हेमू विक्रमादित्य जो है भारत का अंतिम हिंदू शासक था किस प्राचीन ग्रंथ में बैराठ का उल्लेख मिलता है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी महाभारत में अगला प्रश्न है राजस्थान में किस नदी के किनारे पर कालीबंगा के अवशेष मिले हैं इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी घग्घर नदी किनारे, के किनारे कालीबंगा के अवशेष मिले हैं राजस्थान का कौन सा शिलालेख विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी राज प्रशस्ति अगला प्रश्न है चित्तौड़गढ़ के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था चित्तौड़गढ़ के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था तो चित्रांगद चित्रांगद ने करवाया था ऑप्शन बी सही होगा अगला प्रश्न है वंश भास्कर कृति किस कवि की है तो वंश भास्कर कृति जो है वह सूर्यमल की है सूर्यमल मिश्रण की यह पुस्तक है वंश भास्कर अगला प्रश्न है मेवाड़ के किस शासक को भीष्म पितामह कहा जाता है तो मेवाड़ के किस शासक को भीष्म पितामह कहा जाता है तो चूड़ा को कहा जाता है ऑप्शन बी सही होगा चूड़ा अगला प्रश्न है किस राज्य में किस राज्य ने सबसे पहले मुगलों के सामने समर्पण और उनका सहयोग किया तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी आमेर ने अगला प्रश्न है किस तिथि को हुड़ा सम्मेलन हुआ तो किस तिथि को हुड़ा सम्मेलन हुआ 16 जुलाई उन्नीस सोलह जुलाई सत्रह सौ चौंतीस ईस्वी को हुड़ा सम्मेलन हुआ था ऑप्शन बी सही होगा अगला प्रश्न है बीकानेर राज्य की स्थापना किसने की थी तो। बीकानेर राज्य की स्थापना किसने की थी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी बीकानेर अगला प्रश्न है जोधपुर राज्य की स्थापना कब की गई थी तो जोधपुर राज्य की स्थापना चौदह सौ उनसठ ईस्वी में की गई थी तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अगला प्रश्न है जोधपुर राज्य की स्थापना किसने की थी तो जोधपुर राज्य की स्थापना राव जोधा ने की थी तो, की की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी राव जोधा अगला प्रश्न है भारमल ने अपनी पुत्री जोधाबाई का विवाह अकबर के साथ कब किया था इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन पंद्रह ईस्वी में तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अगला प्रश्न है एक मुट्ठी भर बाजरे की खातिर मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता किस शासक ने ऐसा कहा था तो एक मुट्ठी भर बाजरे की खातिर मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता शासक ने कहा था इसका आंसर हो जाएगा शेर शाह अगला प्रश्न है किस शासक को फारसी इतिहासकारों ने वाला शासक कहा है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी मालदेव को अगला प्रश्न है महाराणा प्रताप की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी जिसका तो आंसर है चावंड चावंड स्थान पर महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा क्रांतिकारी नेता राजस्थान का नहीं है तो गणेश देवस्कर जो हैं यह राजस्थान के क्रांतिकारी नहीं है बाकी सभी जो है राजस्थान के क्रांतिकारी नेता हैं अगला प्रश्न है वह कछवाहा शासक कौन था जिसमें मेवाड़ के महाराणा राजा सांगा के साथ मिलकर बराबर से लड़ाई की थी तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी पृथ्वीराज अगला प्रश्न है दिलवाड़ा में आदित्यनाथ मंदिर का निर्माण कराया था तो दिलवाड़ा में आदिनाथ का मंदिर किसने निर्माण करवाया था तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विमल शाह तेरह सौ नौ ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर के किस शासक को पराजित किया था जिसका आंसर हो जाएगा कन्हरदेव यानी ऑप्शन बी सही होगा अगला प्रश्न है सांगा ने किस स्थान को अधिकार में लेकर सांगा नेर बसाया था इसका आंसर हो जाएगा मोजमाबाद ऑप्शन सी सही होगा आबू के किस परमार शासक को परमारों के मरुमंडल का महाराज कहा जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी सिद्धराज को मरुमंडल का महाराज कहा जाता है अगला प्रश्न है राजस्थान में कहाँ पर गुहिल शासकों ने लंबे समय तक शासन करने के बाद चौहानों के की अधीनता को स्वीकार कर लिया तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चाकसू चाकसू अगला प्रश्न है राजस्थान के अधिकांश राजपूत राजवंश किस मुख्य राजपूत राजवंश के सामंत थे तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिहार अगला प्रश्न है राजस्थान के मध्यकाल में राजस्थान के मध्यकाल के किस राजपूत शासक वंश को गुरजेश्वर कहा जाता था तो प्रतिहार राजवंश के शासक को गुरजेश्वर कहा जाता था इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अगला प्रश्न है चावड़ा राजपूत राजवंश का शासक शासन राजस्थान में कहाँ पर था इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी आबू अगला प्रश्न है निम्न में से गुर्जरों ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी तो गुर्जरों ने रा, अपनी राजधानी बनाई थी भीन माल में तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अगला प्रश्न है राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है तो राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है तो भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है अगला प्रश्न है राजस्थान में रामदेवरा का प्राचीन नाम क्या था तो रामदेवरा का प्राचीन नाम क्या था रूड़ेचा यानी ऑप्शन बी सही होगा रूड़ेचा अगला प्रश्न है राजस्थान में मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराट नगरी का उत्खनन किसने करवाया था तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दयाराम साहनी द्वारा करवाया गया था उत्खनन अगला प्रश्न है राजस्थान में महिषासुरमर्दिनी की प्राचीनतम मरण मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई तो इसका आंसर हो जाएगा नैनवा नैनवा से महसासुरमर्दिनी की मरण मूर्ति प्राप्त हुई थी तो ऑप्शन डी सही होगा अगला प्रश्न है राजस्थान में त्रिपुरा सुंदरी का प्राचीन मंदिर स्थित है तो त्रिपुरा सुंदरी का प्राचीन मंदिर कहाँ पर स्थित है तो बसवाड़ा में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बसवाड़ा अगला प्रश्न है किस स्थान पर निहर की मीनार स्थित है तो किस स्थान पर नेहर खां की मीनार स्थित है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोटा अगला प्रश्न है संस्कृत भाषा में रचित राजस्थान का प्रख्यात ग्रंथ एकलिंग महात्म्य के रचनाकार कौन है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी राणा कुंभा अगला प्रश्न है राजस्थान के किस स्थान से जौहर व्रत का प्रमाण मिलता है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी रण से रण से जो है जौहर व्रत का प्रमाण मिलता है अगला प्रश्न है राजस्थान में प्रसिद्ध ऊखा मस्जिद स्थित है तो ऊखा मस्जिद जो है बयाना में स्थित तो 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 है तो ऑप्शन बी सही होगा बयाना अगला प्रश्न है निम्न में से कहाँ पर एक मीनार मस्जिद स्थित है तो जोधपुर में जोधपुर में जो है एक मीनार स्थित है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अगला प्रश्न है राजस्थान का प्रसिद्ध चंद्रमहल कहाँ स्थित है तो जयपुर में प्रसिद्ध चंद्रमहल स्थित है ऑप्शन सी सही होगा अगला प्रश्न है राजस्थान के किस क्रांतिकारी ने लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंका था तो इसका आंसर हो जाएगा जोरावर सिंह बारहठ ने तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अगला प्रश्न है कछवाहा वंश के किस शासक ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी इसका आंसर हो जाएगा जगत सिंह आंसर ऑप्शन सी सही होगा जगत सिंह अगला प्रश्न है अकबर का वह सेनापति जिसने बंगाल उड़ीसा व बिहार में अफगानों के विरोध विद्रोह को दबाया था तो इसका आंसर हो जाएगा मान सिंह मान सिंह जो है अकबर का सेनापति था और इसने बंगाल उड़ीसा व बिहार में अफगानों के विद्रोह को दबाया था अगला प्रश्न है भरतपुर के दुर्ग का निर्माण किसने कराया था भरतपुर के दुर्ग का निर्माण जो है सूरजमल ने करवाया था तो ऑप्शन डी सही होगा सूरजमल अगला प्रश्न है पृथ्वीराज विजय पृथ्वीराज विजय नामक संस्कृत साहित्य के रचनाकार कौन थे इसका आंसर हो जाएगा जयानक यानी आंसर होगा ऑप्शन सी अगला प्रश्न है राजस्थान में राजा बख्तार सिंह की छतरी कहाँ स्थित है राजा बख्तार सिंह की छतरी कहाँ पर स्थित है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी अलवर में प्राचीन प्राचीन काल में सत्यपुर किस स्थान का नाम है तो इसका आंसर हो जाएगा सांचोर सांचोर का नाम जो है प्राचीन काल में सत्यपुर था तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अगला प्रश्न है राजस्थान की किस रियासत में राठौरों का राज नहीं था तो इसका आंसर हो जाएगा झालवाड़ा झालावाड़ा यानी ऑप्शन बी सही होगा अगला प्रश्न है 1948 में मत्स्य संघ की राजधानी कहाँ पर थी तो इसका आंसर हो जाएगा अलवर यानी ऑप्शन बी सही होगा अलवर किस मुगल शासक के समकालीन जयमल का फत्ता थे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी अकबर अगला प्रश्न है राव चूड़ा किसका पुत्र था तो राव चूड़ा जो है वह किसके पुत्र थे राणा लाखा के यानी ऑप्शन ए सही होगा तो राव चूड़ा किसका पुत्र थे तो राणा सांगा के यानी ऑप्शन सी सही होगा सॉरी राणा लाखा के पुत्र थे यानी ऑप्शन ए सही होगा इसका आंसर ऑप्शन ए होगा राणा लाखा अगला प्रश्न है चावंड शैली की चित्रकला किस शासक के शासनकाल में विकसित हुई थी तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन महाराणा प्रताप यानी राणा प्रताप यानी ऑप्शन सी सही होगा अगला प्रश्न है सन 1938 में जोधपुर में मारवाड़ लोक परिषद का गठन किसने किया था तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन जय नारायण प्यास यानी ऑप्शन सी सही होगा जयनारायण व्यास ने उन्नीस में जोधपुर में मारवाड़ लोक परिषद का गठन किया था अगला प्रश्न है जला और दुर्ग का निर्माण किस राजवंश के शासनकाल में कराया गया था तो इसका आंसर हो जाएगा परमार वंश यानी ऑप्शन बी सही होगा अगला प्रश्न है किस शासक ने ढूंढार राज्य की स्थापना की थी तो इसका आंसर हो जाएगा लोल्हा राव यानी ऑप्शन बी सही होगा अगला प्रश्न है भारमल आमिर राज का शासक कब बना तो भारमल आमिर राज का शासक पंद्रह ईस्वी में बना था तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अगला प्रश्न है कछवाहा वंश का प्रसिद्ध शासक भारमल किस राज्य का शासक था तो इसका आंसर हो जाएगा आमिर यानी ऑप्शन सी सही होगा अगला प्रश्न है प्रबंध कोष निम्न में से किसकी कृति है तो प्रबंध कोष के रचनाकार कौन हैं तो राजशेखर यानी ऑप्शन सी सही होगा राजशेखर अगला प्रश्न है राजस्थान में कछवाहा राजवंश की छतरिया कहाँ स्थित है तो इसका आंसर हो जाएगा गैटोर यानी ऑप्शन बी सही होगा भील आंदोलन से संबंधित क्षेत्र है तो भील आंदोलन से संबंधित क्षेत्र कौन सा है इसमें उपरोक्त सभी आंसर होगा जो सभी क्षेत्र हैं या सभी भील आंदोलन से संबंधित हैं अगला प्रश्न है मेवाड़ राज्य में मेवाड़ राज्य के बिजौलिया ठिकाने का संस्थापक कौन था तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन अशोक परमार यानी ऑप्शन बी सही होगा अगला प्रश्न है दुर्गादास राठौर ने किस मुगल शासक के खिलाफ विद्रोह किया था तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी औरंगजेब अगला प्रश्न है दुर्गादास राठौर का संबंध किस राज्य से है तो दुर्गादास राठौर का संबंध जो है मारवाड़ राज्य से है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मारवाड़ अगला प्रश्न है मुगलों ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध बनाए थे तो मुगलों ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध बनाए थे तो इसका आंसर हो जाएगा आमिर आमिर राज्य में जो है मुग़लों ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध बनाए थे अगला प्रश्न है जैसलमेर में स्थित है जैसलमेर में स्थित है तो कौन सा किला या हवेली स्थित है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी उपरोक्त सभी जो हैं यह जैसलमेर में स्थित हैं अगला प्रश्न है निम्न में से राजस्थान के क्रांतिकारी हैं तो राजस्थान के क्रांतिकारी के रूप में कौन जाने जाते हैं तो सभी जो हैं राजस्थान के क्रांतिकारी हैं तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अगला प्रश्न है मानसिंह की मृत्यु कब हुई थी तो मानसिंह की मृत्यु सोलह सौ चौदह ईस्वी में हुई थी ऑप्शन बी सही होगा अगला प्रश्न है किसे सांभरी चौहान शासकों के आदि पुरुष माना जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा वासुदेव यानी आंसर सी सही होगा वासुदेव अगला प्रश्न है किस जिले में भीकमपुर का दुर्ग है भीकमपुर का दुर्ग जो है किस जिले में स्थित है तो इसका आंसर हो जाएगा झालवाड़ा, झालावाड़ा यानी ऑप्शन बी सही होगा अगला प्रश्न है आहड़ में किस राजवंश के शासकों की छतरियाएं स्थित है तो इसका आंसर हो जाएगा सिसोदिया यानी ऑप्शन सी सही होगा अगला प्रश्न है मेवाड़ के महाराणा की अठारह ईस्वी के विद्रोह में अंग्रेजों के प्रति क्या नीति थी, थी इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेज सरकार का सहयोग यानी ऑप्शन बी सही होगा अगला प्रश्न है राजस्थान में डोंगजी व जवाहर जी का क्यों लोकप्रिय हुए अंग्रेजी छावनी को लूटना इनका काम था इसलिए यह फेमस हुए थे अगला प्रश्न है नसीराबाद छावनी में विद्रोह के बाद सैनिक कहाँ के लिए रवाना हुए थे ते, सैनिक जो है दिल्ली के लिए रवाना हुए थे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अगला प्रश्न है किस राज्य ने सबसे पहले अंग्रेजों के साथ संधि की थी इसका आंसर हो जाएगा करौली करौली राज्य ने अंग्रेजों के साथ सबसे पहले संधि की थी अठारह ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा किस राज्य का खिराज से मुक्त किया गया था इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी जयपुर अगला प्रश्न है किस व्यक्ति द्वारा संप सभा की स्थापना की गई थी इसका आंसर हो जाएगा गोविंद गुरु गोविंद गुरु द्वारा संप सभा की स्थापना की गई थी <laughs> राजस्थान के किस जिले में नीमूचड़ा है नीमू नीमूचड़ा है तो इसका आंसर हो जाएगा अलवर अलवर राज्य में नीमूचड़ा है अगला प्रश्न है किसने करौली राज्य सेवक संघ की स्थापना की थी करौली राज्य सेवक संघ की स्थापना मुंशी त्रिलोक चंद्र माथुर ने की थी ऑप्शन सी सही होगा अगला प्रश्न है निम्न में से सहायक संधि का जन्मदाता कौन था सहायक संधि का जन्मदाता लॉर्ड वेलेजली था तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता का सही नाम सिंधु घाटी सभ्यता का सही नाम है तो सिंधु घाटी सभ्यता का सही नाम है आहड़ सभ्यता सॉरी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट का आंसर होगा हड़प्पा सभ्यता अगला प्रश्न है राजस्थान की किस सभ्यता में अलंकृत ईंटों के निर्मित फर्श का अवशेष मिला है इसका आंसर हो जाएगा काली बंगा काली बंगा में जो है अलंकृत ईंटों का अवशेष मिलता है खजाइन उल फुतु किस फारसी इतिहासकार की रचना है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी अमीर खुसरो ऑप्शन डी सही होगा अगला प्रश्न है राजस्थान में कालीबंगा किस जिले में है तो राजस्थान में कालीबंगा जो है वह हनुमानगढ़ जिले में है अगला प्रश्न है राजस्थान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है तो राजस्थान दिवस जो है वह तीस मार्च को मनाया जाता है अगला प्रश्न है राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्रवती सभ्यता के नाम से जाना जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा आहड़ सभ्यता अगला प्रश्न है राजस्थान में गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई तो इसका आंसर हो जाएगा कांताली कांताली सभ्यता कांताली नदी के किनारे विकसित हुई थी गणेश्वर सभ्यता अगला प्रश्न है निम्न में से कौन हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन करता है तो दयाराम साहनी तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अगला प्रश्न है राजस्थान के किस जिले में चीरवा अभिलेख स्थित है तो उदयपुर में तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अगला प्रश्न है वंश भास्कर के रचयिता हैं तो वंश भास्कर के रचयिता कौन है सूर्यमल मिश्रण तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अगला प्रश्न है जैसलमेर के सागरमल गोपा का देहांत कैसे हुआ तो इसका आंसर हो जाएगा हत्या कर दी गई थी यानी ऑप्शन बी सही होगा पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था पहिए का आविष्कार नौ पाषाण काल में हुआ था नौ सौ सड़सठ ईस्वी में कछवाहा वंश के किस शासक ने आमेर राज की स्थापना की थी तो जो धोला राय धोला राय ने स्थापना की थी किस राजवंश द्वारा आमेर राज की स्थापना की गई थी तो इसका आंसर हो जाएगा कछवाहा राजवंश द्वारा अगला प्रश्न है मिहिर भोज का राज्य रोहन कब हुआ था तो मिहिर भोज का राज्य रोहन जो है 836 सौ ईसापुर में ईस्वी में हुआ था यानी ऑप्शन बी सही होगा राजस्थान के एकीकरण के चतुर्थ चरण बृहद राजस्थान का उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा कहां पर किया गया तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी जयपुर में नागरिक सभा की स्थापना धौलपुर में जनता को जागृत करने के लिए किस वर्ष की गई थी उन्नीस यानी ऑप्शन ए अप्रैल 1923 ईस्वी में घटित डाबी कांड किस किसान आंदोलन से संबंधित है तो बरड़ किसान आंदोलन से संबंधित है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केसरी सिंह बारहठ ने मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए चेतावनी रा चुंगटिया लिख कर कब भेजा था तो 1903 में अगला प्रश्न है अठारह की क्रांति में महान सेनानी तात्या टोपे ने राजस्थान में दूसरी बार कब प्रवेश किया था तो इसका आंसर हो जाएगा दिसंबर अठारह में यानी ऑप्शन डी सही होगा अगला प्रश्न है राजस्थान के नमक पर अंग्रेजी अधिकार स्थापित करने का सुझाव किसने दिया था भरतपुर के रेजिमेंट वाल्टर ने इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अगला और आज की श्रृंखला का आखिरी प्रश्न है किस राजस्थानी रियासत में प्रधानमंत्री को मुसाहिब कहा जाता था तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन जयपुर रियासत में यानी ऑप्शन बी सही होगा तो कैसी लगी आज की वाली कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो